हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू एक्स राइस। आज मैं लेक्चर 9 लेके आया हूँ। लेक्चर 8 में हमने ग्रोसरी ऐप की नोटिफिकेशन स्क्रीन और पेमेंट स्क्रीन बनाया था, और आज लेक्चर 9 में हम लोग ग्रोसरी ऐप की चेकआउट स्क्रीन और ऑर्डर कंप्लीट स्क्रीन बनाएंगे। और उसके साथ साथ जो न्यू यूज़र आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें। आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप मेरे प्रीवियस पहले से ही वीडियो को देखें तो आपको ईजिली समझ में आएगा। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और इसकी मैं कॉपी लेता हूँ इस फ्रेम की, आईफोन की, और उसके साथ साथ इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। इनको रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेकआउट। चेकआउट स्क्रीन इसलिए बना रहा हूँ कि हमने जो अपने डिटेल्स दिया है वो यहाँ पे चेकआउट पे लास्ट एक सब हमारा लास्ट स्क्रीन है, जिसमें हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे डिटेल्स ठीक है या फिर हम चेंज यहाँ से कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग चेकआउट स्क्रीन बना लेते हैं। इसमें ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ। ग्रिड को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीवरी एड्रेस, और इसकी मैं एडिंग कर लेता हूँ प्राइस। और यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं ग्रीटिंग यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर इधर भी कहता है और यहाँ से आप 6 का मार्जिन लगा देता हूँ। और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं थोड़ा बड़ा टी तो ले जाता हूँ। और यहाँ पे मैं एक होम इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल भी कर लेता हूँ, उसको ऊपर लेकर आने के बाद इसको मैं अभी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ, और इसको यहाँ से रन करने के बाद यहाँ पर लेता हूँ, और उसके साथ यहाँ से मैं कर लेता हूँ, और इसको मैं ऊपर लेकर आता हूँ, इसको मैं स्क्रीन कर लेता हूँ, और इधर मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ। और इसको मैं रेगुलर कर देता हूँ, और यहाँ से अपन इसको कर लेता हूँ, इसको सुन लेता हूँ, और इसको मैं लाइन कर लेता हूँ, और इसको मैं लाइन कर लेता हूँ, और यहाँ से आप लगा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, इसके साथ साथ यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ, और उसके साथ इसे रखा यहाँ लेकर आता, और इसमें इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, इसको लाइन कर लेता हूँ, एडिट कर लेता। ये चेक आप मस्ट यूज करके ना, चेक आप नहीं लगाओगे हाइट के साथ छोड़ोगे तो इसके सिर्फ हाइट ही ऊपर नीचे होगी, लेकिन वीट के साथ के बाद में आपकी अलाइनमेंट और ये जो हमारा आइकन है वो खराब हो जाएगी। इस वजह से आप चेक को लाजमी यूज़ करें। और इसके बाद चेक कर लेता हूँ, ठीक है, अब मैं ग्रुप कर लेता हूँ, वहाँ से मैं ग्रुप कर लेता हूँ, और इसको मैं ओके, और उसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे इसकी कॉपी लेता हूँ, कॉपी लेने के बाद यहाँ पे मेरे देता हूँ पेमेंट जो हमने यहाँ पे
लिखा था और उसके साथ साथ से अब मैं सेकंड में कार्ड मैं कर लेता हूँ कि हमने किसी और सामने कमेंट कर लिया था। मैं कर लेता हूँ यहाँ से इसका कार्ड जाकर यहाँ जाता यहाँ पे पास लिखता है और कर लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कार्ड है इसको कर लेता हूँ कर लेता हूँ इसको यहाँ से इसको यहाँ लिख लेता हूँ और इस फ्रेम को मैं कर लेता हूँ और इसके साथ साथ इसको मैं कर लेता हूँ और इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ और इसका कंट्रोल में और इसके बाद इसको मैं चेक कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ और इसकी मैं अलाइन कर लेता हूँ यहाँ पर और इसके बाद और इसको इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ यहाँ से ज़्यादा मैं अलाइन देता इसको तुरंत मैं यहाँ से भी खोल देता हूँ अलाइन कर लेता हूँ खोल कर लेता हूँ और इसकी मैं खोल देता हूँ ओके और इसको आइकन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आइकन यहाँ पर कर लेता हूँ ठीक है और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से और इसके साथ साथ साइकिल को भी इसमें कर लेता हूँ ठीक हो गया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई कार्ड और यहाँ पर हमारा कार्ड नंबर है जो हमारा नंबर है यहाँ पर अपने नंबर में कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर कार्ड का नंबर आप चेंज करना चाहते हो कार्ड दूसरा यूज़ करना चाहते हो यहाँ पर जाओ तो आपका कार्ड का एक फोटो खुले यहाँ पर आप कोई भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ फिर यहाँ पर आप हमारा एक ऑप्शन आता है स्क्रीन पर लिख देता हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं कर लेता हूँ और इसके बाद इधर मैं हाँ फोन यूज़ कर लेता हूँ फाइव में जा रहा है फिर उसके बाद फोन यूज़ कर लेता हूँ इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे एक अच्छे से रजिस्ट्रेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है ना लेकिन नेट की वजह से मैं यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन यूज़ नहीं कर रहा तो आप रजिस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं और यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर लिख लेता हूँ और लिख देता हूँ कि इसमें थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ छोटा इसमें काम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से स्क्रीन डाउन कर लेता हूँ इसको ब्लू कर लेता हूँ और यहाँ से इस आइकन को यहाँ लेता हूँ इसके बाद यहाँ से कर लेता हूँ ओके और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे डिटेल में से कर लेता हूँ मॉडल की यहाँ पे मॉडल तरीके में से कर लेता हूँ मॉडल मॉडल डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ और समय और इसके साथ साथ यहाँ पे टोटल आइटम्स और तो मैं टोटल आइटम्स और इसकी मैं साइज इसको मैं एडिट कर लेता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आई एडिट और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ सिक्सटीन ऑर्डर आइटम हमारे कितने यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ दो और यहाँ हमारे ऑर्डर जो आइटम्स हैं हमारे दो हैं और इसके साथ सिक्सटीन भी है सिक्सटीन भी है तो भी इसे कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ टोटल बुकिंग फी हमारे पास कितना है $12 यहाँ पर नहीं कर $12 यहाँ नहीं कर
इसको इसमें मिला के यहाँ से इसी से अपलाइन कर और 16 का मार्जिन देते और यहाँ से जो 16 का मार्जिन देते और इसके साथ साथ हम नीचे आते हैं जहाँ पर हमारा लास्ट जो है वो होगा टोटल थ्री हमारी कितनी होगी टोटल आइटम थ्री हमारे पास होगी यहाँ पर 32 लाख और इसके साथ हम इसको लाइक इसको हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से रेगुलर करते हैं और इसके साथ यहाँ से हम इसको यहाँ से कैसे कर लेते हैं इसको यहाँ से कर और हम यहाँ से भी एक लाइन ड्रा करते हैं और इसको लाइन कर करते हैं यहाँ से लाइन और जितनी लाइन थोड़ी गहरी यहाँ पर यहाँ से लाइन जीरो के बराबर कर लेंगे ओके और इसको लाइन यहाँ से हम खींच करते हैं यहाँ से जो करके इसको टच करते हैं और उसके साथ हम यहाँ आते हैं यहाँ इसको सेम यहाँ से खींच के यहाँ पे टच कर लेते हैं और इसको टच कर लेते हैं टच करने के बाद चेक कर लेते हैं स्क्रीन और स्क्रीन पर ही छोड़ा और ये कमरे टोल पर ही हमारे लाइन अच्छा और यहाँ कम लिखते हैं टोटल या फिर पाँच या फिर हम टोटल लिखते हैं टोटल और यहाँ पर हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ से अलाइन करते हैं और यहाँ पर हम लोग देते हैं इसके और बाकी 32 42 45 42 डॉलर 42 और हम ऐसे कर लेते हैं और इसको यहाँ से अलाइन कर लेते हैं अलाइन करके यहाँ पर करते हैं 16 पे और उसके बाद इसको यहाँ से इसको अलाइन कर लेते हैं सर और डन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं 12 पे भी रख सकते हैं 10 पे भी रख सकते हैं और 14 पे भी रख सकते हैं आपकी मर्जी है और इसके बाद इसको हम क्या करते हैं क्लोज करते हैं यहाँ से ठीक है क्लोज करने के बाद क्या करते हैं नीचे लिखते हैं प्लेस ऑर्डर यहाँ से हम लोग आते हैं 30 हम चाहिए और इसको हम फेंस के यहाँ लिख करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्लेस प्लेस ऑर्डर मीन्स हमारा ये चेकआउट होटल भी कन्फर्म कर लेते हैं अगर हम चेंजेस चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं इस हम लोग चेकआउट का स्क्रीन यूज़ करते हैं ठीक है और यहाँ से हम इसको दिखा बनाते तो इसके साथ साथ हम यहाँ से थोड़ा शेडो भी लगाते हैं जो हमें लगाए थे लेफ्ट स्क्रीन से इफेक्ट में यहाँ पर है और इसे यहाँ पर हमें शेडो नहीं चलती है तो ये हमने ऑलमोस्ट टेकआउट स्क्रीन रेडी किया हुआ है और अब हम चलते हैं ऑर्डर कंप्लीट स्क्रीन पे कि अब हम यहाँ चलते हैं ऑर्डर कंप्लीट स्क्रीन को बना देते हैं और इसको भी हम काटे भी हमारे यहाँ स्क्रीन है तो यहाँ पर हम अपने चेक करते हैं एक सर्कल सा मैं फिर कह रहा हूँ जितना सर्कल सी डिज़ाइन यूज़ कर रहा हूँ ठीक है और उसके साथ हम इसको लाइन कर लेते हैं लाइन कर देते अंदर कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हैं और इसको छोटा कर देते हैं और इसको फिर हम इसको यूज़ करते हैं इसको भी पहले हम इसको लाइन करते हैं और इसको हम इसको नीचे कंट्रोल लगा देते हैं फिर इसको इसको हम लेते हैं इसको हम कंट्रोल एक्स कंट्रोल कर लेते हैं और इसके बाद इसको हम अंदर ले सकते हैं और हम इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं और इसको हम फिर से ऊपर ले सकते हैं ओके और साथ साथ फिर कंट्रोल एक्स कंट्रोल कर लेते हैं और इसको हम इफेक्ट का ऊपर लगा देते हैं और इसके बाद इसको ऊपर ले सकते हैं इसको ऐसे इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं छोटा कर देते हैं और इसको भी फिर से थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको दोनों को मैं लाइन कर देता हूँ यहाँ से कॉपी कर और यहाँ से मैं लाइन कर दूँगा सेंटर कर देते हैं और इसको मैं टू कर देता हूँ टू करोगे और साथ साथ यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक लाइट आइकन करता हूँ आइकन फाइव पर जाना है यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर स्क्रीन है स्क्रीन यूज़ कर लेता हूँ बहुत ही हमें और इसको मैं यहाँ से निकाल लेता इसको मैं कर लेता और इसको यहाँ पर देख लेता हूँ और साथ साथ इसको हटी कर लेता हूँ साथ में साइज़ करवा कर लेता हूँ कर लेता हूँ 40
और मैं लिखा योर ऑर्डर बी कंप्लीट 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 और यहाँ पे लिखा योर इसमें ना क्या लिखा योर ऑर्डर इसकी डिलीवर इसमें रन करते हैं मैक्सिमम इसको कर लेते हैं इसमें से बहुत कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे मेरे को लम्सन इसका करते हैं इसके लिए और इसके लिए राइट करने के बाद इसको आटो में जनरेट कर लेते हैं लम्सन का मैक्सिमम कर लेते हैं और इसे में जनरेट कर लेते हैं इसे में इसे कर लेते हैं तो मैं यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ वापस आ जाता हूँ और इसको मैं स्क्रीन कर लेता हूँ और इसको सब मैंने पे लगा देता हूँ इसको मैं सब लगा देता हूँ और स्क्रीन कर लेता हूँ और इसके साथ साथ इसको लाइन कर लेता हूँ कर लेता हूँ और इसको मैं रख लेता हूँ तो मैं रखा कोई भी रख सकता हूँ इसको स्क्रीन भी रख सकता हूँ और इसके साथ में यहाँ पर लिख देता हूँ इसको यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर आपने मेरा लिख देता हूँ ट्रेड माय ऑर्डर और इसके साथ इसको मैं ऑर्डर कर देता हूँ और इसके साथ इसको मैं अरेंज कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर लिखता हूँ स्क्रीन पे लगा देता हूँ और इसको मैं ब्लैक कलर में रख देता हूँ स्क्रीन पर ब्लैक इसके और ब्रेक टू और यहाँ पे हमें थोड़ा डिजाइन बना लेते हैं इसको मैं लेट को ओपन कर लेता हूँ ओपन करूँगा इसको यहाँ से इनर शेप लगाता हूँ और यहाँ से मैं लिंक लगा के इसके ऊपर में थोड़ी सी डिजाइन बना लेता हूँ इसको मैं 50% कर लेता हूँ एक और शेडो में यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ बैकग्राउंड दो करने लगाता हूँ 6% और इसके बाद मैं एक और शेडो यूज़ करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर मैं लगाता हूँ लेयर 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 करता हूँ फिर इससे मैं किनारे शेडो लगाता हूँ और इसके बाद मैं ब्लर को 10% कर लेता हूँ 2% 4% कर लेता हूँ इसमें 1% कर लेता हूँ इसमें 10% ओके ये हमारा सब मैं इसको थोड़ा से छोटा कर लेता हूँ और इसमें यहाँ पे कर लेता हूँ और इसके बाद मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पे यूज कर लेता इसको रखते हैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से इसको मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ ये जैसे सबको और यहाँ पर आप हर किसम डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर आप रेटिंग का यूज़ कर सकते हैं जो आप आपको अच्छा लगे उस हिसाब से बना सकते हैं फिर यहाँ पे इसलिए जितना हो सके आप इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पर फिर से कुछ सब यूज़ कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा स्टार्स यूज़ कर लेता हूँ स्टार्स यूज़ कर लेता हूँ स्टार्स को मैं स्टार भी देता हूँ उसके बाद से इनर शेडो लगाता हूँ इन शाला शेडोज के भी मैं आपको क्लासेस लूँगा आपकी क्लासेस की यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ सेट कर लेता हूँ और चलो इसमें फिर कर लेता हूँ ओके आपको मुझे आप इसका इस साइड याद रखा था थोड़ा बड़ा करते इसका थोड़ा सा बड़ा अच्छा है यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं दो कर यहाँ लेता हूँ इसको मैं दो कर यहाँ लेता हूँ और इसका उसको मैं बंद कर लेता हूँ तो यह बेसिकली यहाँ पे चेकआउट और कंप्लीट स्क्रीन बन चुका है ठीक है और इंशाल्लाह हम लेक्चर 10 में बनाएंगे प्रोफाइल स्क्रीन साथ ही साथ बनाएंगे चैट स्क्रीन थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।